हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन गार्डनिंग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिबिस्कस प्लांट के बारे में। जो हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, ये अभी विंटर्स में डोरमेंसी के टाइम में चला जाता है और अब फरवरी आ चुकी है, यानी गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है। तो हमारा अब हम अपने प्लांट को फ्लावरिंग के लिए तैयार करेंगे ताकि हमारा प्लांट दोबारा से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करे। ये जो आप प्लांट देख रहे हो, ये मेरा हिबिस्कस का रेड कलर का हिबिस्कस का प्लांट है, डबल पेटल वाला। इसमें काफ़ी सुंदर, इसने मेरे को पिछले साल फ्लावर्स दिए थे, तो अब हम इसको उसी तरीके से तैयार करेंगे। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग कब करनी है। जैसे अब समर्स आने वाला है तो आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को करने लग गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे प्लांट में से न्यू लीव्स अब निकलने लग गए हैं, तो इसका मतलब है अब हमारा प्लांट डोरमेंसी से बाहर निकल रहा है और अपनी ग्रोथ कर रहा है। अगर आपके प्लांट में भी न्यू लीव्स आने शुरू हो जाएं तो आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, अब मैं इसकी प्रूनिंग करूंगा। तो मैं आपको बताता हूं आपको अपने प्लांट में प्रूनिंग कैसे करनी है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप ये एक ब्रांच देख रहे हो, जो भी आपके प्लांट में ब्रांचेज है आप उनको 50% जितना कट कर दे। और अगर आप अपने प्लांट को और भी छोटा करना चाहते हैं तो आप अपने प्लांट को और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने प्लांट को 50% जितना ही कट करूँगा। तो मेरा प्रूनर ख़राब हो रखा है, तो मैं इस शार्प नाइफ की मदद से अपने प्लांट को कट कर लूँगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस चीज़ से भी आप कट करें वो चीज़ शार्प होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से प्लांट को कट नहीं करोगे तो वहाँ पे फंगस आ सकती है पानी रुकने की वजह से। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने प्लांट को अच्छी तरीके से प्रून करेंगे। तो जैसे ब्रांच है, इस ब्रांच को, ये मेरी इतनी लंबी ब्रांच है, तो मैं इसको 50% जितना, यानी इतना मैं इस प्लांट को कट कर दूंगा। और आपको कट करते समय एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ से आप कट करें वहाँ पे एक नोड एरिया भी होना चाहिए। ये जो जहाँ से लीव्स निकलते हैं या फिर जो स्टेम्स निकलती हैं, इन्हीं को नोड एरिया कहते हैं। तो आपको इसके ऊपर से अपने प्लांट को कट करना है। ये फ्रेंड थोड़ा सा सही से कट नहीं हुआ, तो अब मैं इसको कुछ इस तरीके से शार्प कट कर दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी जो स्टेम, प्लांट की स्टेम थी, इसको मैंने बिल्कुल ही शार्प कट कर दिया है। इसी तरीके से आपके जो प्लांट की जितनी भी ब्रांचेज है, आप उन सभी को इसी तरीके से ट्रिम कर ले। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा प्लांट है, इसकी हाइट करीब 4 से 5 फुट तक हो गई है। तो अब मैं इसको प्रून करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये मेरा प्लांट था हिबिस्कस का, मैंने इसको प्रून कर दिया है। जितनी भी इसकी मेन ब्रांचेस थी उनको मैंने सभी को 45 डिग्री के एंगल में काट दिया है। अब जो ये हमारी जो पतली पतली ब्रांचेस बच चुकी हैं, इनको भी हम रिमूव कर देंगे। ये जो पतली पतली ब्रांचेज होती है, अब जो अब हम इन्हें भी कट कर देंगे तो हमारा प्लांट न्यू ब्रांचेज को निकालने में ज़्यादा पावर लगाएगा और इनकी ग्रोथ को वो प्लांट हमारा कम कर देगा। इसी तरीके से हमको जितनी भी ये पतली ब्रांचेज है सबको रिमूव करना है। फ्रेंड्स, हमने अपने प्लांट को अच्छी तरीके से प्रून कर दिया है। जितनी भी फ्रेंड्स इस प्लांट में पतली पतली ब्रांचेस थी उनको भी मैंने काट दिया है, और जो अब ये मेन ब्रांचेस जो मोटी ब्रांच बच चुकी थी उनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया है। इसकी हमने अच्छे से जो हार्ड प्रूनिंग करी है, अब इससे क्या होगा, यहाँ जो इसके नोड एरियाज हैं यहाँ से न्यू ब्रांच निकलने लगेगी। ये प्लांट मेरा काफ़ी हाइट पे था और अब इसकी हाइट लगभग 2 फुट रह गई है, लेकिन जब इसमें ग्रोथ होगी तो ये अपनी उतनी ही हाइट आराम से ले लेगा और इसमें ज़्यादा फ्लावर्स भी आएंगे। अब प्रूनिंग करने के बाद फ्रेंड्स, आपको दूसरा काम करना है अपने प्लांट में गुड़ाई। गुड़ाई फ्रेंड्स आपको अपने प्लांट में वैसे हर 10 से 15 दिन में करते रहनी चाहिए, लेकिन अब हमने इसको प्रून भी किया है तो इसकी जो ये आसपास की जो एक्स्ट्रा
रूट्स हैं ये कट जाएंगी और ये नई रूट को अपने डेवलप करेगा, इसलिए मैंने इसकी जो गुड़ाई है वो थोड़ी सी गहरी कर दी है। ये प्लांट मेरा काफ़ी साल पुराना प्लांट है और इसने मेरे को काफ़ी सारे फ्लावर्स दिए हुए हैं। अब इसकी ग्रोथ होना कम हो गया था इसलिए मैंने इस प्लांट को प्रून कर दिया है। अगर आप इसकी रूट प्रूनिंग भी करना चाहते हो तो आप रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गार्डनिंग में नहीं हैं तो एक साथ रूट प्रूनिंग ना करें। और अभी आपने ध्यान दिया होगा मैंने अपने प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, तो अभी हमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जब हमारे प्लांट में से न्यू ग्रोथ निकलने लग जाए, न्यू स्टेम निकलने लग जाए, तब आपको अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र 200 से 300 ग्राम के करीब अच्छे से देना है ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट के बारे में और कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे और नई वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स वीडियो। और अगर आपकी और किसी प्लांट के बारे में भी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।